इस कुंभ के मेले में यहाँ पर्यावरण जागरूकता वृक्ष रथ का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वृक्ष मित्र जितेंद्र यादव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जितेंद्र यादव जी बताएंगे कि वह पर्यावरण जागरूकता वृक्ष रथ का अभियान कब से जारी किया और ये मेला में इनको जागरूक करने की जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे लोगों के क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं तो 1985 से पर्यावरण पर निःशुल्क काम करते हैं। हम अपने गुरुजी के बताने के हिसाब से कि आने वाले समय में हवा बिकेगी, पानी बिकेगा, तो उस पर जो है कि हम वृक्षारोपण शुरू किए और उसी को आदर्श मान करके आज निजी नर्सरी है और अपने ही घर में नर्सरी खोले हैं। और मेरे साथ कम से कम 45-50 आसपास के हमारे साथ नौजवान निःशुल्क काम करते हैं। अपने निजी नर्सरी में 5 फीट से लेकर के 18 फीट तक का पौधे तैयार करते हैं, लोगों के मांग के अनुसार भी और सार्वजनिक जगह पे अपनी मर्जी से भी ले जा करके उसको निःशुल्क वृक्षारोपण करते हैं। और ये भी है कि हमारा 100% पौधे हमारे तैयार होते हैं, इसलिए कि हम उसका ब्रेक गार्ड बनाते हैं और उसका देख रेख भी हम स्वतः करते हैं। और आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री मनोज पांडे के चलते। यहाँ मैं आया और नारायणी कुंभ में भाग लिया और लोगों को अपने तरफ से मैं बताता भी हूँ कि वर्ष में एक घर से एक व्यक्ति, एक नौजवान एक ही पेड़ तैयार करेगा तो कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है जिस ग्राम सभा में 200-400 नौजवान न हो, 200-400 घर की आबादी न हो। तो इस तरह से अगर एक वर्ष में 500 एक अनुमानित एक ग्राम सभा में पेड़ तैयार होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धरा का हर भाग हरा हो सकता है, क्योंकि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तभी से पर्यावरण पे सरकारी तंत्र काम करता है। लेकिन वो पौधे कहाँ लगते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हर साल लगता है, रिकॉर्ड बनता है, गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है। लेकिन श्रीमान जी, लोगों से मैं हाथ जोड़कर पूछूं कि कै परसेंट आपका पौधा तैयार हुआ, पेड़ बना, इसका कोई जवाब नहीं है। बाढ़ ले गया, सूखाग्रस्त लेगा, लेकिन मेरे पेड़ों को, मेरे पौधों को क्यों नहीं ले जाता है? क्योंकि मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ, एक मजदूर परिवार से होते हुए पर्यावरण क्या है, वातावरण क्या है, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। और लोगों को हाथ जोड़ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि साल में 100 पेड़ मत लगाइए, 1 लगाइए। बच्चे का जन्मदिन हुआ, शादी के वर्षगांठ हुआ, या कोई त्यौहार हुआ, कोई पार्टी होता, उस पर यादगार भी रहेगा और पर्यावरण भी बढ़िया होगा और वृक्षारोपण भी होगा और इससे मान सम्मान भी फैलेगा। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।